एक 60 साल का व्यक्ति जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो सीखने में कभी पीछे मत हटना और ये मत देखना अरे कि मेरे से उम्र में छोटा है या एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कम है तो इससे हम नहीं सीखे। अगर तुमको जिंदगी में कुछ पाना है तो तुम्हें हर समय, चाहे तुम 60 साल के हो चाहे तुम 10 साल के हो, सीखते रहना। सीखने से कभी पीछे मत हटना। जिस दिन तुम्हारी मानसिकता इस प्रकार से हो जाएगी, तुमसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया पर नहीं होगा। और हमेशा निरंतर कोशिश करना वो बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग जीवन में क्या होता है कि तैयारी किए नहीं निकला, तो नहीं निकलने पे निराश कभी नहीं होते, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी होती है। बट अपनी गलतियों से आपको हमेशा सीखना हो, अगर नहीं सीखोगे तो फेलियर हो जाएगा। पॉजिटिव वाइब्स आएगी हर प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की, वो बहुत जरूरी है। और मैं श्योर हूं कि तुम लोग वो जब सोचोगे ना, अपने आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते। क्योंकि कारण ये है कि कभी किसी माँ बाप की बातों को छुप के सुनना, तब तुमको पता चलेगा कि वो अपने कितने सारे अरमानों का गला घोट करके तुमको पालते हैं, तुम्हारी जरूरतों को पालते हैं, तुम्हारे महंगे महंगे शौकों को प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं। बच्चा होता है ना, कहता है कि नहीं हमको तो इसी ब्रांड का जूता चाहिए या इस ब्रांड का चीज चाहिए। तो कई बार माँ बाप देखते हैं अगर उनकी में है और उसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो वो दिला देता है, बट उसके पीछे वो अपने अरमानों को पीछे छोड़ देता है, कहता मेरा तो बाद में आएगा, पहले मेरे बच्चे का। तो हमेशा ये हमेशा याद रखना कि अपने पेरेंट्स के लिए ही पढ़ लो, अपने पेरेंट्स, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ पढ़ाई से जिंदगी बनेगी, स्पोर्ट्स से भी बनती है, पढ़ाई से भी बनती है, पर जिंदगी में कामयाब जरूर हो। जब कॉलेज से बाहर निकलो तो कामयाबी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। वो जरूरी नहीं कि कोई सरकारी नौकरी, वो एक प्राइवेट नौकरी भी हो सकती है, वो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि आप बिहार सरकार या भारत सरकार की नौकरी लेकर हाथ में बैठे। कामयाबी का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद आप अपने पैरों पे हैं और आपको कोई भी जरूरत आपकी है उसके लिए आपको किसी और को नहीं देखना, आप खुद काबिल हैं उस चीज को पूर्ण करने के लिए। काबिल का मतलब यही होता है, सफलता का मतलब यही है। तो ये सब में नहीं भागना। बहुत लोग बड़गलाते हैं कि सिर्फ सफलता का मतलब सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, सब सफलता है। आजकल बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज अगर आप लोग लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो हमेशा सफलता को सिर्फ सरकारी नौकरी के आईने से मत देखो, सफलता इस आईने से देखो कि जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हो उसके बाद क्या आप अपनी माँ को उसकी पसंद की चीज दिला पा रहे हो, क्या आप अपने पिता को, अपने छोटे भाई बहनों को त्योहारों पे अपनी कमाई हुई पैसों से कोई चीज दे पा रहे हो। अगर दे पा रहे हो तो तुम कामयाब हो। तो हमेशा कामयाबी को इस शीशे के उससे देखो, इस नजर से देखो, तो तुम जरूर जिंदगी में कामयाब हो।